ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसपी साउथ के पेशकार विमलेंद्र नाथ मिश्रा पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए। इस दौरान एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने पेशकार विमलेंद्र कुमार सिंह को नम आंखों से विदाई दी। इस अवसर पर एसपी साउथ ने पेशकार विमलेंद्र नाथ मिश्रा को अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर विदाई किया, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 40 वर्ष 8 माह पुलिस की सेवा करते हुए विमलेंद्र नाथ मिश्रा ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त पेशकार विमलेंद्र नाथ मिश्रा ने कर्मचारियों से कहा कि अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन करते हुए उनके निर्देशानुसार कार्य करें। आप सदा सुखी व समृद्ध कार्य कुशल जवान कहलाएंगे व एक मिसाल कायम करें और अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करें, ताकि आने वाला आपका उच्च अधिकारी आपका उदाहरण पेश कर सके। उन्होंने कहा, 1 दिसंबर 1980 को बतौर आरक्षी के पद पर अपनी सेवा देना प्रारंभ किया था तथा 31 अप्रैल 2016 को बतौर उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति होते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पेशकार के पद पर रहते हुए 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए हैं। इस अवसर पर एसपी साउथ कार्यालय के कर्मचारी अनिल गौड़ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेवानिवृत्त पेशकार विमलेंद्र नाथ मिश्रा तथा एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, बहुत कुछ कहा जाता है, मैंने सोचा आप सब चीज़ों से मैं करूँ। हाँ सर, एक कर्मचारी को उसके सेवा काल के आदेश में रिटायरमेंट के समय अगर उसके साथी उसके सहकर्मी इस तरह की 4 महीने मेरे साथ मिले, जो लगता था कि मेरे भी पीछे तो कुछ आता था, नौकरी करने से भी आए, छोटी बड़ी रैंक सबको अपने अपने मुकद्दर से, मेहनत बहुत सारे लोगों ने किया था साथ, जो बहुत उनसे पीछे रह गए और बहुत सारे लोग आगे हो गए, कम मेहनत, कुर्सियाँ नीचे ऊपर बटी, मेहनत के साथ साथ परिस्थितियाँ देशकाल की थी ऊपर वाले, लेकिन अनुभव और उम्र का बढ़ापन अगर आप लाइफ में बरकरार रखेंगे, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग सबको जानते हैं, उनका रिटायरमेंट हुआ है, किसी और का हो, बड़े में खड़े हैं उनका हो, फिर मेरा भी हो,
लेकिन केवल अगर ये महसूस करिए कि लोग विदा आपको करेंगे, पैर छू के विदा करें या पीठ पीछे गालियां दे के विदा करेंगे, अपने आप आपका कंट्रीब्यूशन अपने विभाग में, अपने घर में, अपने परिवार में सब जगह। मैं यहाँ आया तो पता चला कि पेशकार किन्हीं कारणों से हमारे पूर्वाधिकारी, उन्होंने हमसे इनकी तारीफ ही की, गुस्सा में होकर के हटा दिया। मैंने सारे स्टाफ से कहा कि अगर वो आना चाहें बुला लो, क्योंकि इन्होंने बताया सब वो रिटायर होने वाले हैं, तो रिटायर होने वाले हैं तो आ जाए, सकता हमारे समय में ही रिटायर हो, क्योंकि सबके सामने स्वीकार कर रहा हूँ। मैं भी आया था मान करके दो चार पाँच महीने बाद, कई बार चला जाए आठ महीने अपने साथ रहा। मुझे स्टाफ ने बताया साहब उन्होंने कुछ अपनी पारिवारिक परिस्थितियाँ जताई, पुलिस लाइन से बेहतर हो सकता है, रिटायर होने वाले को, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा, इनको मेरे साथ आना था, एक दिन अचानक पोस्टिंग हो गई, तो मैंने पूछा कि मिले इनमें से कौन है, स्किलों का था वो आने वाले पेश का आए, चार महीने समय बीता, चार महीने में कभी मुझे जो काम सौंप दिया तो उस तारीख पे, जिस तारीख को ये मंडे को प्रस्तुत होना, हर मंडे को फाइल रखा, ये मुझे पूरे थर्ड ट्यूजडे को रखा, ये शाम को रखना शाम को रखा, इसको सुबह शाम दोनों रखो पे तो रखा, कभी ये नहीं रहा। अगर किसी कारण से घर भी चले गए, हमने फ़ोन किया सर बताएं क्या है, भाई आप घर चले गए तो नहीं सर बताएं, सर आप बता दें क्या है, मुझे लगता था बुजुर्ग आदमी है, अभी दिन रात को मैं क्यों तो हूँ, सर आप मुझे बता दें मैं करा, लेकिन खुद आए बनवाया कागज ले आए सर कहाँ वहाँ दस्तक करा। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मेरे बेसिक कार्यालय में, मेरे स्टेगो ब्रांच में सबसे उम्र दराज हमारे ये सबके गार्जियन रहे, सबको उन्होंने जोड़ कर, ये एक बड़ी बात अच्छी होती है इस बात। और पुलिस ऑफिस की किसी शाखा में कोई काम होनी चाहिए वहाँ से ले आना सर, अभी जाते हैं कोई ये नहीं सर के साथ टेबल कम हो गई है उनके यहाँ नहीं जाएंगे, उनसे उनसे बात स्वयं ठीक रखे। आईना कोई तस्वीर बनाता नहीं, मेरा अनुभव है 40 साल 8 महीने नौकरी किया हूँ, मेरा अनुभव यह है कि अनुशासन में रह करके और न्याय के नज़दीक अपना कार्य संपन्न करिए और टेंशन ना पालिए, टेंशन किसी तरह का ना पालिए, आदेश जो निर्देश मिलता है उसको सही समय अपना करिए, जिस जगह पे रहिए वहाँ प्रेम से काम करिए, बस यही इतना है। पुलिस परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे, आज विदाई हुई है, तमाम लोगों ने आपको शुभकामना दी है, अभी इतना हमको मतलब इतना प्रेम दे के हमको इतना कर दिया कि मैं इतना अभिभूत हूँ कि अंदर से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही अंदर से। हाँ, जो नए नए पुलिस कर्मी आए हैं समय ड्यूटी में, उनको ये क्या कहना चाहिए, कैसे वो आगे ड्यूटी करें? बस यही एक ही लाइन में है भाई साहब कि जो मतलब जो आदेश निर्देश उच्च अधिकारीगण का मिले विभाग का, उसको जिस भी सीट पर हैं प्रेम से करें, मेहनत से करें, लगन से करें, न्यायपूर्ण काम करें, ईमानदारी से करें, सभी को न्याय देने के लिए हम किसी भी पद पर हैं, अनुशासन के महकमे में तो किसी पद पर हैं तो उसी कार्य के लिए आए हैं कि जनता को हम न्याय दें, हमारा वही है, उसी का वेतन मिलता है। मेरे पेशकार के रूप में SI विमलेंद्र मिश्रा ने अपनी अधिवर्षता आयु पूरी कर ली आज, और 40 साल से ज़्यादा की लंबी नौकरी के बाद वो सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके बारे में कुछ कहने में मैं बस इतना ही कहूँगा कि आज उनका विदाई समारोह छोटा सा यहाँ रखा गया था कार्यालय में, उनके अधीनस्थों ने, उनके समकक्ष सहयोगियों ने
पैर छू करके उनको विदा किया है, और किसी कर्मचारी को अगर उसके मातहत उसके समकक्षीय कर्मी पैर छू के विदा करें तो उसके कार्य आचरण में बारे में कहने के लिए कुछ नहीं बचता। हाँ, मेरे साथ ही अपने इस सेवा काल के पाली के अंतिम दौर में मेरे साथ भी उन्होंने 4-5 महीने मेरे साथ काम किया। मैं ये टिप्पणी करना चाहूँगा कि वो सर्वथा जो उनके सहकर्मियों ने, आज पुलिस ऑफिस के स्टाफ ने, हमारे कार्यालय के लोगों ने जिस तरह की विदाई उनको दी है श्रद्धा के साथ, वो उसके पात्र हैं। इस नाते कि उन्होंने अपने पूरे कार्याचरण से सदैव ये साबित करने का प्रयास किया कि हम जिस पद पर हैं वहाँ बैठ करके भी जो हमारे दायित्व हैं उनको पूरा अगर हम अनुशासित दायरे में करते हैं तो इसके बड़ा कोई और हमारे लिए जिम्मेदारी नहीं, और उसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया।